हेलो स्टूडेंट्स माय नेम इज़ आफरीन एंड टुडे वी विल डिस्कस आर थर्ड चैप्टर डैट इज़ न्यूट्रिशन तो न्यूट्रिशन है क्या न्यूट्रिशन एक, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ चाहे हम एक यूनी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें या एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें वो क्या करता है इनटेक करेगा न्यूट्रिएंट का बेसिकली जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं फूड का उसका इनटेक करेगा और उसका यूज़ करेगा अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो हम क्या लिखेंगे न्यूट्रिशन प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और ये जो न्यूट्रिएंट हैं ये होते हैं हमारे पास फूड में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स एंड ए देयर यूटिलाइजेशन बाय एन ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म न्यूट्रियट का इनटेक करेगा उसका यूज करेगा अलग अलग एक्टिविटीज के लिए इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन तो ये जो वर्ड है न्यूट्रिशन ये डिराइव हुआ है न्यूट्रिएंट से न्यूट्रिएंट का लेने वाला प्रोसेस उसको यूज करने वाला प्रोसेस इसको हम क्या बोलेंगे न्यूट्रिशन बोलेंगे तो ये न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं ये न्यूट्रिय जो हैं ये हमारी फूड में प्रेजेंट होते हैं एंड आर रिक्वायर्ड बाय एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को इनकी रिक्वायरमेंट है क्यूं? क्यों क्यों रिक्वायरमेंट है इनकी क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं एनर्जी हम बोलते हैं हमें काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी जब हम न्यूट्रिएंट का आप टेक करेंगे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी ग्रोथ भी करनी है तो ग्रोथ के लिए मटेरियल कहाँ से आएंगे ये न्यूट्रिएंट है कोई पार्ट डैमेज हो गया तो उसको भी रिपेयर करना है तो उसमें कौन हेल्प करेगा यही न्यूट्रिएंट हेल्प करेंगे डिसीजेस के अगेंस्ट हम हमें फाइट करना है हमें पावर चाहिए तो वो पावर भी कहाँ से आएगी जब हम इंटेक करेंगे न्यूट्रिएंट का तो इसका मतलब ये है कि ऐसे सब्सटेंस हैं कि अगर एक लिविंग ऑर्गेनिजम को सर्वाइव करना है तो उसको इसका इंटेक करना ही होगा तो न्यूट्रिय क्या हैं सब्सटेंसेस विच आर Required by every living organism for किसके लिए जरूरत है एनर्जी के लिए काम करना है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी सेकेंड ग्रोथ थर्ड रिपेयर के लिए कोई पार्ट डैमेज हो गया है तो उसको भी रिपेयर करना है तो रिपेयर के लिए भी इनकी रिक्वायरमेंट है फोर्थ टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस और डिजीजेस बीमारियों से लड़ना है तो उसके लिए भी पावर चाहिए तो वो पावर आएगी कहाँ से इन न्यूट्रिएंट से और ये न्यूट्रिएंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं फूड में इसलिए हम फूड को डिफाइन करते हैं न्यूट्रिशियस सब्सटेंस विच इज़ रिक्वायर्ड बाय एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइवल हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने सर्वाइव अगर उसको सर्वाइव करना है उसकी सर्वाइवल के लिए उसको रिक्वायरमेंट होगी फूड में की क्योंकि फूड में क्या प्रेजेंट है न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं एनर्जी मटीरियल फॉर ग्रोथ रिपेयर टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेज फॉर मेंटेनेंस इन सब के लिए इन न्यूट्रियट्स की रिक्वायरमेंट होती है अब अगर हम न्यूट्रिय्स के टाइप्स की बात करें तो टाइप्स हैं कार्बोहाइड्रेट ये डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स हैं फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट सेकंड फैट्स थर्ड प्रोटीन्स फोर्थ मिनरल्स फाइव रफेज और फाइबर्स सिक्स वन इज वाटर तो ये न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है हर लिविंग ऑर्गेनिज़म और इन्हीं न्यूट्रिएंट को का इंटेक करना उसका यूज़ करना इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन अब न्यूट्रिशन जो है ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ ऑर्गेनिज्म uh, जो है वो फूड का इंटेक कर रहा है उसका यूज़ कर रहा है लेकिन इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं और हर ऑर्गेनिज्म को रिक्वायरमेंट है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा मेथड होगा उनको लेने का तो इन मेथड्स को हम पढ़ेंगे अंडर द कैटेगरी और हेडिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोड ऑफ या मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है मेथड कि ऑर्गेनिज्म जो है रिक्वायरमेंट है उसको लेकिन लेगा कैसे वो अपने न्यूट्रिएंट को कोई ना कोई तो तरीका होगा ना उसको लेने का तो उसी को हम क्या बोलते हैं मोड तो बेसिकली टू मोड्स होते हैं फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड इज हेट्रोट्रॉफिक अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता क्या है इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड अपने फूड के लिए वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं है तो ऐसा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक और जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमको मिलेगा देखने को उनको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स तो ऑटोट्रॉफिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है यहां पर क्या है ऑर्गेनिज्म सिंथिसाइज इट्स ओन फूड वो डिपेंड नहीं है किसी ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करेगा इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रॉफिक में क्या होगा ऑर्गेनिज्म इज नॉट एबल टू सिंथेसाइज सिंथेसाइज इट्स ओन फूड या हम ये कह सकते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म क्या करता है डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड तो हम ये लिख सकते हैं डिपेंड ऑन डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड अगर उसको फूड का इंटेक करना है उसको न्यूट्रिएंट लेना है ऑर्गेनिज्म तो वो क्या करेगा वो दूसरों पे ही डिपेंड होगा दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही क्या करेगा अपने न्यूट्रिएंट को डिराइव करेगा वो अपने फूड इस मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर ये नज़र आता है उनको हाइड्रोट्रॉप्स बोलते हैं और वो ऑर्गेनिज्म अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते वो डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अब अगर हम बात करें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ हमने अभी डिस्कस किया है कि ये ऐसा मोड है जहाँ ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं या ऐसा मोड है जहाँ ऑर्गेनिज्म अपना फूड को सिंथेसाइज कर रहे हैं लेकिन सिंथेसिस के लिए उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है अब वो कौन सी एनर्जी यूज़ करेंगे इस बेसिस पर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी इनको दो कैटेगरी पे डिवाइड कर दिया है इस बेसिस पर कि ये एनर्जी कौन सी यूज़ कर रहे हैं अब उन अपना फूड तो सिंथिसाइज़ करेंगे लेकिन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इनको तो वो एनर्जी किस फॉर्म में ले रहे हैं तो इस बेसिस पर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू टाइप्स के हैं ऑटोट्रॉफिक अब फर्दर इसको क्लासिफाइड कर दें इनटू टू कैटेगरी अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो लाइट एनर्जी यूज करेंगे तो उनको बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पर लाइट एनर्जी यूज हो रही है टोट्राफिक हो गया जहां ऑर्गेनिज्म केमिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं तो वो हो गया कीमा ऑटोट्रॉफिक तो ऑटोट्रॉफिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है अगर यहां पर लाइट एनर्जी यूज होगी तो हम बोलेंगे फोटो ऑटोट्राफिक क्या यूज कर रहे हैं ये लाइट एनर्जी और इसके एग्जाम्पल हैं ऑल ग्रीन प्लांट्स जितने ग्रीन प्लांट्स हैं क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट्स हैं वो क्या हैं फोटो अब कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे केमिकल एनर्जी यूज करेंगे तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोल देंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक कीमो मींस केमिकल कीमो ऑटोट्रॉफिक तो यहां क्या यूज कर रहे हैं केमिकल एनर्जी एग्जाम्पल हो गया सल्फर बैक्टीरिया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया तो ये है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां ऑर्गेनिज्म लाइट एनर्जी से अगर अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है तो फोटो ऑटोट्रॉफिक हो गया केमिकल एनर्जीज यूज कर रहा है टू सिंथेसाइज इट्स फूड तो हम वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया कीमो ऑटोट्रॉफिक कीमो केमिकल ऑटो मतलब सेल्फ तो केमिकल एनर्जी की, आ, को यूज करके अपना फूड कर रहा फोटो फोटोमी हो गया लाइट तो क्या कर रहा है वो लाइट एनर्जी को यूज कर रहा है और अपना फूड सिंथिसाइज कर रहा है एग्जाम्पल हो गया ग्रीन प्लांट नेक्स्ट आता है हेट्रोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक अब हेट्रोट्रॉफिक क्या है ये मोड हमने कैसे डिफाइन किया था कि ये ऐसा मोड है जहां ऑर्गेनिज्म जो है वो डिपेंड है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए मतलब ये अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते सीधी सी बात है तो अब इनका भी कोई मेथड uh, होगा कि किस तरह से अपना फूड का इंटेक कर रहे होंगे तो मोड ऑफ फीडिंग के बेसिस पर हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है फर्स्ट कैटेगरी है सेप्रोट्रॉफिक सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिपेंड है ना दूसरे ऑर्गेनिज्म पे तो अब ले कैसे रहे अपना फूड कोई ना कोई तरीका होगा मोड होगा फीडिंग का जैसे जिसकी थ्रू वो अपना फूड जो है वो इनटेक कर रहे हैं तो एक हो गया सेप्रोट्रॉफिक हम आ, डिस्कस करेंगे इनको डिटेल में सेकेंड है पैरासिटिक एंड थर्ड वन इज होलोजोइक तो ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है मोड ऑफ़ फीडिंग के बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हेट्रोट्रॉप्स उनको थ्री कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हिट्रोट्रॉफिक या हम बोल सकते हैं हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि मोड ऑफ़ फीडिंग क्या है ऑर्गेनिज्म का तो एक हो गया सेप्रोट्रॉफिक अब सेप्रोट्रॉफिक में होता क्या है फर्स्ट यहाँ पर इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना न्यूट्रिएंट डिराइव करेंगे फ्रॉम डेड एंड डीकिंग मैटर फर्स्ट तो सेप्रो मींस क्या हो गया डेड एंड डीकिंग तो यहां पर क्या हो रहा है ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिएंट्स और वी कैन से फीड ऑन डेड एंड डीकेंग मैटर फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग मैटर फर्स्ट ये हो गया डेड एंड डेकिंग मैटर पे वो फीड कर रहे हैं या अपना न्यूट्रिएंट अपना नरिशमेंट वहीं से ये डिराइव कर रहे हैं लेकिन यहाँ होगा क्या जो पूरा प्रोसेस है वो होगा आउटसाइड द बॉडी क्या ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये इन्ज़ाइम रिलीज़ करेंगे आउटसाइड द बॉडी उनके बॉडी के बाहर वो एन्ज़ाइम रिलीज़ करेंगे एन्ज़ाइम क्या करेंगे वो जो कॉम्प्लेक्स डेड एंड डेकिंग मैटर है उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इसी सिंपल फॉर्म को फिर ये ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे इनटेक कर लेंगे तो ये पूरा इनका प्रोसेस होता है न्यूट्रिय डिराइव करने का तो हमें यहाँ पर जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल के न्यूट्रिएंट या नरिशमेंट वो ले रहे हैं डेड एंड डीकेंग मैटर से सेकंड डाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी जो डाइजेशन है वो बॉडी के बाहर हो रहा है ये जो प्रोसेस है वो कहाँ हो रहा है बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन वाला प्रोसेस और फिर सिंपल फॉर्म को वो क्या करेंगे एब्जॉर्ब कर लेंगे इसके एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड फंगस को मैं लेबल करती हूं फर्स्ट से, सेकेंड एंड थर्ड फर्स्ट एग्जाम्पल है बैक्टीरिया फंजाई नाउ सेकेंड आता है पैरासिटिक अब पैरासिटिक में क्या हो रहा है यहां पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव कर रहा है क्या हो रहा है पैरासिटिक में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या कर रहा है अपना न्यूट्रिएंट डिराइव कर रहा है कैसे या तो उसकी बॉडी के अंदर वो प्रेजेंट है वहाँ से वो ब्लड पे फीड कर रहा है और न्यूट्रिएंट को ऑप्टेन कर रहा है या फिर उसकी बॉडी के बाहर प्रेजेंट है और वो वहाँ से क्या कर रहा है ब्लड को ले रहा है ब्लड को सक कर रहा है और अपना नरिशमेंट ले रहा है तो ये होता है पैरासिटिक तो पैरासिटिक में क्या है ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म इट्स न्यूट्रिय फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना नरिशमेंट अपना न्यूट्रिएंट किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव कर रहा है ये जो मोड होता है इसको हम बोलते हैं पैरासिटिक इसके एग्जाम्पल हैं सेकेंड वन अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो लीचेज हो गया टेप वार्म हो गया प्लांट्स भी होते हैं जैसे डॉडर प्लांट और जो मेंबर्स होते हैं एस्किलमेंथस, प्लेटी हेलमेंथस मोस्टली दे आर पैरासाइट इंडो पैरासाइट इंडो पैरासाइट मतलब बॉडी के अंदर वो प्रेजेंट है किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के और वहाँ से वो न्यूट्रिएंट डिराइव कर रहे हैं अब इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट डिराइव कर रहा है उसको हम बोलते हैं पैरासाइट वो पैरासाइट को तो क्या हो रहा है बेनिफिट हो रहा है लेकिन वो जहाँ से अपना न्यूट्रन डिराइव कर रहा है किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम होस्ट बोलेंगे वो उसको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है तो ये हो गया पैरासिटिक थर्ड वन इज होलोजुक होलोजुक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सिंपल जो हमारा है हमारा मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन क्या है हम पूरा कॉम्प्लेक्स फूड का इंटेक करते हैं इंटेक कहाँ करेंगे बॉडी के अंदर इंटेक किया उसका ब्रेकडाउन हुआ सिंपल फॉर्म में मतलब डाइजेशन हुआ एब्जॉर्बन हुआ उसका यूज़ हुआ ये सारे प्रोसेस हो कहाँ रहे हैं बॉडी के अंदर हो रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है होलोज मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म क्या करता है इंटेक करता है पूरे कॉम्प्लेक्स फॉर्म का ब्रेक डाउन मीन्स डाइजेशन एब्जॉर्बशन एसिमिलेशन सब कहाँ हो रहा है बॉडी के अंदर और जो अनडाइजेस्टेड फूड अब रह गया है वो बॉडी के बाहर रिमूव कर दिया जाएगा तो ये जो कंप्लीट मोड है इसको हम बोलते हैं होलोजोइ जैसे हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोड ऑफ़ फीडिंग है वो कैसा है क्योंकि हम भी हाइड्रोड्रॉप्स हैं जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या हैं हाइड्रोड्रॉप्स हैं तो हमारा मोड ऑफ फीडिंग कैसा हो गया होलोजोइ अदर एनिमल्स हैं उनका मोड ऑफ मोड ऑफ फीडिंग भी क्या होगा होलोजोइक जैसे लायन हो गया हम अगर कानी की बात करें या एलिफेंट की हम बात करें तो उसके अंदर काव होगी हो गई डॉग है तो इन सब के अंदर क्या है होलोजोइक मोड ऑफ फीडिंग तो होलोजोइक में क्या होगा इन टेक ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनसाइड द बॉडी फिर क्या होगा ब्रेकडाउन मीन्स ब्रेकडाउन को अगर हम टर्म लिखें तो डाइजेशन डाइजेशन भी कहाँ हो रहा है इनसाइड द बॉडी विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव इंजाइम्स विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव इंजाइम्स उसका ब्रेकडाउन होगा देन वो क्या होगा एब्जॉर्ब देन एब्जॉर्ब एब्जॉर्बशन हो जाएगा बॉडी उसको क्या करेगी एब्जॉर्ब कर लेगी uh, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वहाँ से डिफ्यूज होकर ब्लड में जाएगा फिर ब्लड से कहाँ जाएगा डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी और उसके बाद क्या होगा देन ऐब्ज़ॉर्ब एंड उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो है यूटिलाइजेशन अब जो रह गया है उसको बॉडी क्या करेगी बाहर रिमूव कर देगी तो वो हो गया ईजेशन तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ये हो कहाँ रहा है बॉडी के अंदर तो ये होता है होलोसोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एग्जाम्पल की अगर हम इसकी बात करें तो ह्यूमन्स अमीबा ये एग्जाम्पल है अदर एनिमल्स जो हैं उनमें भी मोड ऑफ फीडिंग जो होगा वो होलोसोइक होगा सेप्रोफाइटिक में क्या था सेप्रोफाइटिक में भी डेड एंड यहाँ पर डेड एंड डीकेंग मैटर पे फीड हो रहा था कॉम्प्लेक्स फॉर्म था बॉडी के बाहर ही उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया और सिंपल फॉर्म को बॉडी के अंदर ले लिया गया पैरासिटिक में क्या हुआ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिएंट वो ऑप्टेंड कर रहा है होलोसो एक में क्या हो रहा है यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है एब्जॉर्बशन हो रहा है एसिमिलेशन हो रहा है लेकिन ये सारा प्रोसेस हो रहा है इनसाइड द बॉडी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर क्योंकि अगर हम हमारा देखें हम क्या करते हैं खाना आया बाइट लिया उसका इनटेक किया च्यू किया मेस्टिकेट हुआ डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स हुआ जो कंप्लीट प्रोसेस है फर्दर आगे का वो कहाँ होगा बॉडी के अंदर ही होगा तो इस टाइप का जो मोड ऑफ़ फीडिंग है उसको हम बोलते हैं होलोजोई अब होलोजोई का ये जो कम्प्लीट प्रोसेस है ना ये कम्प्लीट ये जो पूरा प्रोसेस है ये कम्प्लीट होगा इन फाइव स्टेप तो नेक्स्ट अभी हम वो डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट जो इसकी स्टेप्स हैं जिनमें पूरा होलोजोई मोड ऑफ फीडिंग कम्प्लीट होगा फर्स्ट स्टेप जो है होलोज का वो हमने यहां लिखा है उसको हम क्या बोलते हैं इंटेक तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा अगर हमें न्यूट्रिय चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले उसका इंटेक करना पड़ेगा तो जो स्टेप्स हैं स्टेप्स आर फर्स्ट इंजेशन अब इंजेशन मीन्स क्या हो गया इनटेक ऑफ फूड तो हम ये लिख सकते हैं यहां पर इनटेक ऑफ फूड फूड का इनटेक करना सेकेंड है डाइजेशन डाइजेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इन टू सिंपल फॉर्म डाइजेशन का पर्पस ही यही होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए न्यूट्रिएंट्स हमने यही तो सबसे पहले हमने यही तो डिस्कस किया था कि न्यूट्रिएंट लेने वाला प्रोसेस और उसको यूज़ करने वाला प्रोसेस हो गया न्यूट्रिशन तो एक ऑर्गेनिज्म को अगर वो फूड का इंटेक कर रहा है तो उसको चाहिए क्या उस फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट है अब वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अब हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल फॉर्म में ताकि हमारे बॉडी के जो सेल हैं या अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जो सेल हैं उसको एब्जॉर्ब कर सके तो ये स्टेप होगा जिसमें क्या होगा ब्रेकडाउन होगा कॉम्प्लेक्स फूड का इंटू सिंपल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ इंजाइन with the help of digestive enzymes third one is absorption ab absorption ka matlab kya hai yahan par jo simple form hai wo diffused ho jayega into the blood वो कहाँ आ जाएगा Digestive system से या जहाँ जिस system के अंदर जिस part के अंदर उसका breakdown हुआ है simple form में वो simple form से कहाँ आ जाएगा बॉडी में के सर्कुलेटरी सिस्टम में या ब्लड में ताकि वो कहाँ जा सके पूरे बॉडी पार्ट में डिफ्यूज टू द ब्लड थर्ड एसिमिलेशन एसिमिलेशन मीन्स यूटिलाइजेशन अब उसका यूज़ करेगा ऑर्गैनिज्म अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए कि अगर कोई पार्ट डैमेज हो गया है तो उसको रिपेयर करना है या किसी पार्ट की उसको ग्रोथ करवानी है या एनर्जी की ज़रूरत है तो वो अपने नीड के अकॉर्डिंग क्या करेगा जो बॉडी है वो क्या करेगी उसको यूज़ करेगी तो उसको हम बोलते हैं एसीमुलेशन यूटिलाइजेशन ना फोर्थ वन इज एसिमुलेशन एंड फिफ्थ वन इज़ ईजेशन एजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट सॉरी रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टिड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी अब जो अनडाइजेस्टेड रह गया है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है फूड अब बॉडी उसको क्या करेगी बाहर रिमूव करेगी उसको हम बोलते हैं इजेशन रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टिड फूड फ्रॉम द बॉडी तो इन फाइव स्टेप में पूरा कंप्लीट होता है हॉलोजोइक जिसको हम न्यूट्रिशन चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ अमीबा एंड इन ह्यूमंस, तो ये है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और ये जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हमने किस बेसिस पे पढ़ा है इनको मोड ऑफ़ फीडिंग कि किस तरह से जो ऑर्गेनिज्म है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता क्या है ऑर्गेनिज्म डिपेंड है मतलब हेट्रोट्रॉप्स बोलेंगे उन ऑर्गेनिज्म को जो डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे तो उनको तीन कैटेगरी में हमने किस बेसिस पे डिफाइन किया है मोड ऑफ़ फीडिंग कि उनका मोड ऑफ़ फीडिंग है क्या क्या वो सेप्रोट्रॉफिक हैं क्या वो डेड एंड डीकिंग मैटर पे फीड कर रहे हैं और वो डेड और डीकिंग मैटर जो ब्रेक डाउन हो रहा है फूड का वो कहाँ हो रहा है आउटसाइड द बॉडी हो रहा है तो सेप्रोट्रॉफिक क्या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिएंट डिराइव कर रहे हैं तो वो हो गया पैरासिटिक ये क्या जो कम्प्लीट प्रोसेस है ब्रेक डाउन का या न्यूट्रियट को ऑप्टेन करने का क्या वो बॉडी के अंदर है बॉडी के अंदर हो रहा है तो वो हो गया होलोसोई तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ़ फीडिंग हेट्रोट्रॉफ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फर्दर अलग और कैटेगरी में डिवाइड कर किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फूड दे कंज्यूम वो फूड कौन सा इंटेक करें ये तो तरीका हो गया कि अब वो अपने फूड को किस तरीके से ले रहे हैं लेकिन वो फूड ले कौन सा रहे क्या नेचर है उनके फूड का इस बेसिस पर भी उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है अब जो हेट्रोट्रॉफिक है उनको हम uh, डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फूड नेचर ऑफ फूड के बेसिस पर जो हैड्रोट्रॉप हैं फर्स्ट हर्बी वोड्स फर्स्ट हो गया हर्बी वोर हर्बी वोड्स कौन से हो गए जो फीड uh, करते हैं प्लांट पर एग्जाम्पल हो गए काव गोट डर एक्सेट्रा सेकेंड है कार्निवोर्स कुछ हेट्रोड्रॉप जो होते हैं वो फीड करते हैं ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स उनको हम बोलते हैं कार्निवोर्स जैसे लायन uh, टाइगर कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों पे फीड करेंगे प्लांट पे एज वेल एज एनिमल के फ्लैश पर दोनों पे फीड करते हैं उनको हम बोलते हैं ओमनीवोर्स अब ओमनीवोर्स का एग्जाम्पल हो गए ह्यूमस उसके बाद आ, फोर्थ है सेंगूवोर्स सेंगूवोर्स जो वो तो एनिमल्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ब्लड पे फीड करते हैं जैसे अभी हमने का लिया था लीचेस वगैरह तो वो किस पे फीड करती हैं ब्लड पर तो जो ब्लड पे फीड करते हैं उनको हम सेंगूवोर्स बोलते हैं तो एग्जाम्पल लीचेस आ, टेप वॉर्म हो गया फिफ्थ वन इज फ्रूगी वोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो फ्रूट पे फीड करते हैं एग्जाम्पल पैरट मंकी दे फीड ऑन फ्रूट सिक्स वन इज़ डेट्राइटी, डेट्राइटी वोर्स ये डेड एंड डीकिंग मैटर पे फीड करते हैं एग्जाम्पल अर्थ तो ये हेटरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फूड उनके फूड का नेचर क्या है वो कौन सा फ़ूड पे फीड करते हैं ग्रासेस पे फीड करते हैं अदर एनिमल के फ्लैश पे या दोनों पर या फ्रूट पर या ब्लड पर या डेड एंड डीकेंग मैटर पर तो ये है पूरा क्लासिफिकेशन हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का तो आज के इस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया न्यूट्रिशन से न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ ऑर्गेनिज्म जो है अपना न्यूट्रिएंट इंटेक कर रहा है उसका यूज़ कर रहा है बेसिकली दो मोड होते हैं ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं हेट्रोट्रॉफिक वो है जो डिपेंड है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए हेट्रोट्रॉफिक फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं कि वो एनर्जी कौन सा यूज़ कर रहे हैं अपने फूड को सिंथेसाइज करने के लिए तो इसके लिए है ऑटोट्रॉप फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक, फोटो मीन्स लाइट मतलब ये ऐसे ऑटोट्रॉप्स हैं जो क्या कर रहे हैं लाइट एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं अपने फूड को सिंथेसाइज़ करने के लिए कीमो ऑटोट्रॉप्स वो हैं जो केमिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं फर्दर uh, हमने हेट्रोट्राफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखा कि ऐसे ऐसा मोड है जहाँ ऑर्गेनिज्म खुद अपना फ़ूड नहीं प्रिपेयर करेगा वो डिपेंड होगा वो नहीं सिंथेसाइज कर सकता अपना फूड तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को फर्दर फिर थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ़ फीडिंग कि वो डिपेंड तो हैं लेकिन मेथड क्या है उसकी फूड का इनटेक का तो एक है सेप्रोट्रॉफ जहाँ पे डेड एंड डिकिंग पे तो फीड करते हैं लेकिन डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है पैरासिटिक है जहाँ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर जो है वो फ़ीड कर रहा है फिर उसके बाद जो है होलोसोई के जहाँ पर क्या हो रहा है कंप्लीट प्रोसेस जो है इनटेक से लेकर उसका पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन डाउन यूटिलाइजेशन सब कहाँ हो रहा है इनसाइड द बॉडी हो रहा है फिर हाइट्रोट्रॉप को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं कि वो फूड का जो नेचर है वो कैसा है क्या वो हरबी वोड्स हैं क्या वो प्लांट पे फीड कर रहा है या एनिमल पर या दोनों पर ब्लड पर और फ्रूट पर या डेट्राइटी वोड्स पर तो यह है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन आर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट जो अभी हमने थोड़ी देर पहले उसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा कि फोटो होते हैं अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं लेकिन कौन से प्रोसेस से वो सिंथेसाइज कर रहे हैं क्या उस क्या उसका मेकेनिज्म होगा या वो कौन से रॉ मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं या कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं विच आर असेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर फूड तो ये सब हम डिस्कस करेंगे इन आर नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू